साथ में और एक है। जैसे आप चाहो ये देखो, ये इजली आराम से आप, तो चलिए इसको अनबॉक्स करके देखते हैं। ये है हमारा वीमॉप, ये देखिए पूरा, और इसको अभी आपको दिखाते हैं वन बाय वन। एक्चुअली ये दो टुकड़ों में आता है, एक तो ये है, ये सेपरेट हो जाता है, डबल वीमॉप है, ठीक है। तो एक सेट तो ये है, अभी इसको अनबॉक्स करूंगा मैं, इसमें पॉलीथिन चढ़ी हुई है, और एक सेट इसका ये है, ये पूरा इसका सेट ऐसे है, इसको भी जोड़ के दिखाएंगे आपको। और इसके साथ बॉक्स में है ये इसका हैंडल, हैंडल कैसे जुड़ता है, क्या है इसकी, क्या क्वालिटी है, ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको अनबॉक्स करते हैं, इसकी पॉलीथिन वगैरह निकालते हैं। तो एक ये है, एक ये है, ये इसकी पॉलीथिन निकाल लेते हैं थोड़ी अच्छे से, ताकि अच्छे से आप लोगों को दिखने लग जाए। पिछले वाले में हमने आपको दिखाया था कि उसमें व्हील लेंथ है, उसकी क्वालिटी बहुत नाजुक थी ये, ठीक है। इसमें आप देखो, इसमें ये व्हील लगे हुए हैं, ये बहुत ही अच्छे व्हील हैं, जो कि आपको कहीं एक जगह से दूसरी जगह यदि ले जाना है तो आसानी से आप इसको टिल्ट करके ले जा सकते हो। कैसे ले जा सकते हो अभी आपको दिखाएंगे, कैसे आप टिल्ट करके ले जा सकते हो। व्हीलों की क्वालिटी देख लेते हैं, क्वालिटी जो है व्हीलों की अच्छी है, सही है, अभी आपको चला के दिखाऊंगा मैं। और इसके अंदर हमें मिला हुआ है ये दो मॉप हैं, ये देखिए, एक जो लग जाएगा इसके साथ में और एक अलग से है। ठीक है, ये व्हाइट कलर के हैं, एक्चुअली गंदा तो होगा लेकिन ठीक है, इसको भी चला के देखेंगे। और इसकी जो बैंड करने की क्वालिटी है, चलो इसको बाद में देखेंगे अभी। इसके अंदर और हमें मिल रहा है एक बॉटल, इसमें आपको जो स्प्रे वगैरह डालना है, रखना है, तो ये आप रख सकते हो। और ये अंदर से कुछ इस टाइप से है, ये देखो, ठीक है, इस वाले को भी खोल लेते हैं। तो ये देखिए, ये घूमता भी है, ये घूम रहा है, और इसी में लगा हुआ है एक ये हैंडल पकड़ने के लिए ऐसे, और इसमें एक हैंडल और है ये छोटा, जो टिल्ट करके हम इसको लेके जाएंगे। तो इसमें ये हैंडल अपने आप जैसे ऐसे लगा हुआ है, इसको छोड़ देंगे तो अपने आप सेट हो जाएगा ऐसे। तो इसको आपको बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं, ऐसे जब उठाना है पानी भरा तो ऐसे उठाना है, छोड़ दोगे तो अपने आप ऐसे चला जाएगा, ठीक है। इसमें पोछा रख के भी आपको दिखाएंगे। और जो ये डिब्बी मिली थी, ठीक है, इसको रखने के लिए भी यहाँ पे जगह बनी हुई है, तो इस डिब्बी को आप ऐसे यहाँ पे रख सकते हैं। इसमें आप कोई स्प्रे डाल दो, सेंट डाल दो, जो डालना है आपको, कूलिन वगैरह जो भी डालना है, क्लीनर वगैरह, वो इसमें डाल सकते हो और मिला सकते हो साथ में, ठीक है। तो ये इस टाइप से है। अब चलिए देखते हैं मेन, इसको हम जोड़ कैसे सकते हैं, ये अलग अलग है ट्विन, ठीक है, इसको जोड़ना कैसे है सबसे मेन बात यह है। तो यहाँ पर देखो स्लॉट बने हुए हैं, ठीक है, ये स्लॉट बने हुए हैं और ये स्लॉट बने हुए हैं। प्राइस इसका मैं आपको लास्ट में बताऊंगा और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यदि आप बाई करना चाहते हो तो आप इसको बाई भी कर सकते हो अमेजोन से, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके डाल दूंगा। ये देखो इसमें एक स्लॉट बना है ये, ठीक है, ये और ये, तो इसको इसमें फंसाना है। चलिए फंसा के आपको दिखाता हूं, ये है, अब ये देखिए, अब ये पूरा आपका इसमें भी एक वो है हैंडल, एक इसमें भी हैंडल है, अलग अलग इसको पकड़ के आप ये उठा सकते हो। ये देखिए, ये पूरा तरीके से बन गया, पूरा ज्वाइंट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके का ये वीमॉप है कुछ, तो आप इसको यदि लेना चाहते हो, ये देखिए पूरा, ये आपका बॉटल यहाँ पे आप रखो इसको, ये लगानी है, मम्मी हमारी कह रही है कि यदि ये मॉप जो है
यदि व्हाइट की जगह में किसी और कलर का होता तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि ये गंदा कम होता है ना। तो आपकी चॉइस है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, रख सकते हो किसी भी कलर का। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अभी इसको थोड़ी सी साइड करते हैं, इसका हैंडल एक बार हम लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो हैंडल कुछ इस तरीके से है, देखो इसमें दो हैंडल आते हैं। पिछला वाला जो मॉप था उसके कंपेरिजन में इसका हैंडल देखेंगे तो इसमें वेट ज्यादा है, है ना। इसको ऐसे यहां से इसको ज्वाइंट कर लेना है, ये देखिए, इसमें इंसर्ट करके और इसको टाइट कर दोगे तो ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक है। ये हैंडल की लेंथ भी बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ है, ठीक है। इस लॉक को आप लॉक अनलॉक कर लोगे, ऊपर कर लोगे तो ये ऑन हो जाएगा। ऑन मतलब ये स्पिन करने लग जाएगा और इसकी लेंथ भी बढ़ी जाएगी, ठीक है। अभी स्पिन करके आपको दिखाता हूं। और ऐसे यदि आप कर दोगे तो ऑफ हो जाएगा ये स्पिन, फिर नहीं होगा, आप पोछा करने में काम आएगा। इसको अभी ऐसे करते हैं और इसमें हम पोछा भी अपना एक बार लगाते हैं और फिर देखते हैं। तो पोछा जो आपको लगाना है इस साइड से, और ये जो है इसमें आपको इंसर्ट करना है पोछा, ठीक है। तो पहले इसमें एक ये लगा हुआ देखो नट टाइप से, इसको आपको लूज कर लेना है, ये ठीक है। ये आपने लूज कर लिया, ऐसे निकल आया। इसको इसमें चाहो तो आप ऐसे इंसर्ट कर लो इसको। ये जो स्लॉट है इसमें भी एक स्लॉट है अंदर, इस स्लॉट को फिक्स करना है। ठीक है, तो ये हो चुका है अब फिक्स। अब ये जो नट है इसको हम कर देंगे टाइट इसमें, ठीक है। ये देखिए, तो नट को कर दिया हमने टाइट। तो ये आपको करना पड़ेगा थोड़ी अपने तरीके से, ठीक है। जैसे यहां पे है पैर लगा के इसको, आप चाहो तो सीधा कर लो, ऐसे कर लो, जब तक ऐसे रहेगा, ठीक है। इसको जब आप लॉक कर दोगे, अभी ये क्या है लॉक हो गया, तो अभी ये हिलेगा डुलेगा नहीं। इसको जैसे आप नीचे कर दोगे ऐसे, तो ये घूमने लग जाएगा। जैसे आपको एग्जांपल दिखाता हूं, ये मैंने इसमें लगाया, ठीक है, और इसको अब ये ऐसे ये घूम रहा है। इसका मतलब पानी जब आपको करना है तो पानी ऐसे पूरा आपको निचोड़ के नीचे गिरा देगा, ठीक है, ऐसे। और इसमें फिर आपको पानी रखना है और इसको साफ करना है, गीला करना है, तो ऐसे घूम जाएगा और इसमें से आपको पानी बाहर चला जाएगा, ठीक है। ये इसकी खासियत है। और ऐसे करके लॉक हो जाएगा, इसके बाद में ये टेढ़ा ओढ़ा नहीं होगा। और यहां से आप इसको करके जैसे आप चाहो, जिस तरीके से चाहो पोछा लगा सकते हो, ये देखो कहीं पे भी बढ़िया तरीके से, ठीक है। और इसकी क्वालिटी जो है स्ट्रांग है, ऐसे नहीं है, बहुत स्ट्रांग है। ये देखो आप, बहुत बढ़िया है, बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। इसको रखता हूं अभी थोड़ी साइड, इसको भी साइड रखता हूं। ये दो मोप मिल जाते हैं, यदि आपका वो खराब होता है तो इसको आप बाद में यूज कर सकते हो। अब आते हैं हम इस पे, इसको कैसे कैसे आपको यूज करना है ये मैंने आपको दिखाई दिया। और ये जो हैंडल है आपका, हैंडल आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो, ये देखिए। कहीं भी जाना है तो ऐसे लिए, ऐसे चल दिए, लो ऐसे चल के ऐसे ले आए, ऐसे, और जहां मन हुआ वहीं पे पोछा लगा दिया। तो पहले वाले मॉप की कंपेरिजन में ये वाला जो है ये अच्छा है और इसकी क्वालिटी भी सही है। जो हमने पहले बताया था उसके कंपेरिजन में बहुत अच्छा है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है उससे। ये देखिए, पास से आप देख लो एक बार, ये पूरा फिट। अलग चाहो तो अलग कर लो, बाकी पानी भर के इसका एक बार हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे। अभी इसका जो फाइनल रिव्यू है, इतना अनबॉक्सिंग रिव्यू, अभी स्टार्टिंग क्वालिटी कैसी है, फाइनल रिव्यू इसका एक महीने बाद में, इसका पूरा यूज करने के बाद में आपको बताऊंगा इसके एक महीने बाद इसका रिव्यू कैसा है। तो साथियों, इसका जो फाइनल प्राइस है हमारा 1499 रुपए है, अमेजोन से हमने लिया हुआ है।
फ्लिपकार्ट में लोगे तो आपको 1299 का मिलेगा, लेकिन ये क्वालिटी, ये प्लास्टिक क्वालिटी, ये व्हील्स और ये जो मॉप है, ये जो आपके बाप मॉप की क्वालिटी है, ये आपको इतनी नहीं मिलेगी अच्छी ये, ठीक है, और इसकी क्वालिटी नहीं मिलेगी, ये लॉक आपको नहीं मिलेगा। तो ये आप यदि आपको लेना ही है तो आपको ये वाला लेना चाहिए, और इसमें आप इजिली अपने घर का पूरा बढ़िया साफ सफाई कर सकते हो, अच्छा खासा इसमें पानी आ जाएगा आपका 10-15-20 लीटर, और इजिली साफ सफाई हो जाएगा। इसमें आप अपना सैनिटाइजर रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, आप डिसेंबल करना चाहो, एक में करना चाहो तो आप एक करके यूज कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया आप ले सकते हो। तो मैं लेके आ गया पोछा, चलिए मैं लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ। ये यहाँ पे रख लिया, अब इसको पहले पानी में गीला कर लेते हैं, ठीक है, नीचे दिखाओ थोड़ी इसमें, ये देखिए तो ये हो चुका है इसका मॉप पूरा गीला। अब इसको यदि यहाँ पे रखें बहुत सारा पानी गिर जाएगा, तो इसको हम क्या करेंगे, इसमें डाल के इसको थोड़ी सुखा देंगे, उसका पानी सारा निकल जाएगा, ये ऐसे देखो, ठीक है। अब जब पानी इसका निकल जाएगा पूरा नीचे आ जाएगा, तो इसको फिर हम यहाँ से उठा के और इसको इजिली यहाँ पे आप पोछा लगा सकते हो जिस तरीके से आप चाहो, ये देखो, ये इजिली आराम से, आपको ना लचकना है, ना भटकना है, ना कुछ करना है, ये सारा कचरा इसी में आ जाएगा, जहां पे आपका कचरा है आ जाता है इसमें। तो आपको फिर क्या करना है, इसको लेके और फिर इसमें पानी में डाल देना है, ये देखिए, सीधा करके इसको थोड़ी पानी पे इस पे रखोगे और फिर इसको घुमा दोगे, तो जो भी कचरा था वो कहाँ चला जाएगा, पानी में। अब फिर इसको निकाल के फिर आपको रखना है इस पे, और इस पे फिर से दो बार घुमाना है, तो पानी सारा चला जाएगा इसके नीचे, ठीक है। जहां पानी नीचे चला जाएगा तो फिर आपको इसको क्या करना है, लॉक करके उठा लेना है, इसको ऐसे करना है और फिर देह लगाना है इसमें ऐसे, ये देखिए, अब पंखा चला दो ताकि ये सूख जाए, ठीक है। तो इस तरीके से है, इसका पानी निकालने के लिए यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे जगह दी गई है, तो ये आप टैप निकाल दोगे तो पानी सारा का सारा यहाँ से निकल जाएगा जहां आपको बहाना हो। अब ये देखो पानी पहले कितना साफ था, कितना गंदा हो चुका है पानी, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।